बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह से जुड़ा एक किस्सा। 1920 में कराची के दौरे के दौरान इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक पंजाबी खातून की मेहमानी में शिरकत की। वो हामला थी और इसने एक बेटे को जन्म दिया था। ये दिलचस्प बात है कि बच्चे ने दूध नहीं पिया और ना ही पानी पिया, और जो कुछ दिया गया इसने कह कर दी। बच्चा दारे मार मार कर रो रहा था। डॉक्टर ने टीका लगाया लेकिन इसके जिस्म को वो नहीं लगा। जिस जगह पर टीका लगाया गया था इसका सयाल यानी लिक्विड बाहर निकल आया। क्या किया जाए, इसके लिए खातून फिक्रिया थी। वो अपने बच्चे को मेहमानी में ले गई। इमाम ने अपना मुबारक हाथ बच्चे की पेशानी पर रखा और इससे कहा कि इसे आबे शफा मुकद्दस पानी पिलाओ। शाम को इसने मुकद्दस पानी दिया और बच्चे ने इसे बेताबी से पिया और मामूल से ज्यादा सांस ली और फौत हो गया। औरत ये सोचकर बहुत गमगीन हुई कि इसके बेटे ने मुकद्दस पानी पिया है या जहर। वो अगले दिन एक और जमात खाने में इमाम के सामने हाजिर हुई। इमाम अलैह सलाम ने औरत की तरफ देखकर फरमाया, मुझे मालूम है कि तुम्हारा बच्चा फौत हो गया है, फिक्र ना करें, यहाँ आकर बैठ जाएं। वो इमाम की कुर्सी के पास बैठ गई और इस दौरान इमाम ने दूसरे मेहमानों से मामला किया। जब इमाम फारिग हुए तो इसकी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, मेरा एक हकीकी मोमिन था जो अपने गांव में मुकद्दस पानी के अलावा सारे वाजिबात को अदा करता था। वो फौत हो गया था और आपके पेट से 3 दिन तक जन्म लिया ताकि मुकद्दस पानी का घूट ले सके। आप गम ना करें, मैं आपके लिए एक और बेटे की दुआ करूँगा, बल्कि बेटों के लिए। खाना बताना। इंग्लिश नरेशन ऑफ दिस स्टोरी। ड्यूरिंग हिज विजिट ऑफ कराची इन 1920, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अटेंडेड अ मेमानी ऑफ अ पंजाबी वूमेन। शी वॉज प्रेगनेंट एंड गेव बर्थ ऑफ अ सन। इट इज क्यूरियस that the child did not suckle or drink water and vomited whatever was given. The child cried and cried vehemently. The doctor inoculated, but his body did not receive it, and the spot where was vaccinated, its fluid come out or squirted. What to do was a puzzling moment for her. She took her child in the mimani. Imam put his blessed hand on child's forehead and told her to give him Abi Shafa, holy water. On evening she gave holy water and the child drank it eagerly and respired higher than normal and expired. The woman was grieved too much. Thinking that her son drank holy water or poison, she appeared before the Imam next day in the other Jamaat Khana. Looking the woman, the Imam said, I know that your child is expired. Don't worry. Come here and sit down. She sat beside Imam's chair. And in the meantime, the Imam dealt other mihmani. When the Imam became free, turned towards her and said, there was my one hakiki believer who performed the obligation accessible in his village, except the holy water. He died and took a birth in your belly for 3 days so as to sip holy water. You don't lament. I will pray for you for another son. Khana Vadan.